हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल धमाका कोचिंग। इन दिस वीडियो आई विल गेट सॉल्व एक्सरसाइज 9.1 इन विच देयर आई विल गेट सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी जो रस्सी है, रोप है, ये 20 मीटर लंबी जो रस्सी है और रस्सी के बारे में बता रहा है कि विच इज टाइटली स्ट्रेट, जो कड़ाई से फैला हुआ है, मतलब एकदम टाइट फैला हुआ है और बंधा हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, एक वर्टिकल पोल है आपका AP, ठीक है, AP वर्टिकल पोल है। इसका जो टॉप है A है, बॉटम B है, इससे रस्सी जो है बंधा है, ठीक है, रस्सी मान लीजिए AC है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर जो रोप है, ये AC रोप जो है, वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो ये जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, तो ये एलिवेशन एंगल होगा, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए हमने जो है क्या किया कि लेट AB इजकल टू H, जो AB इजकल टू H और AC इज इक्वल टू 20 मीटर विद द हाइट ऑफ द पोल एंड लेंथ ऑफ द रोप रेस्पेक्टिवली। AB इजकल टू H हाइट हो गया पोल का और AC इक्वल 20 मीटर आपका ये जो है आपका हो गया लेंथ रोप का, ठीक है। तो हालांकि गिवन है, लेट में मैंने लिख दिया है, सपोज में कोई दिक्कत नहीं है इससे। इन राइट ट्रायंगल ABC, अब इस राइट ट्रायंगल ABC में देखते हैं हम लोग, तो हमें फाइंड करना ये हाइट। तो हम लोग के पास गिवन में जो है इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है और 90 के सामने हाइपोटेनस और आपका हाइट है। तो एक फार्मूला जानते हैं PBP अपन HHB से कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस जो है कि साइन ट्रिग्नोमेट्री के इक्वल होता है, साइन का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है उसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, तो अब देखिए इस ट्रायंगल मैं साइन 30 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक। तो आपका परपेंडिकुलर H और हाइपोटेनस 20 मीटर हो गया, ठीक है। तो 1/2 इसका वैल्यू H/20 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा H, इसको उधर भेज देंगे, H को ऐसे ही रहने देंगे, 20 मीटर अपॉन 2 इक्वल H 10, तो H की वैल्यू आ गई 10 मीटर, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पोल की हाइट है वो H 10 मीटर है। सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। एक ट्री है, आंधी के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, वो मुड़ जाता है और इस तरह मुड़ता है कि जो उसका टॉप है ट्री का वो टच करता है ग्राउंड को और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, और जो ट्री का टॉप है जो ग्राउंड को टच करता है उस वाले पॉइंट से, जहाँ टच कर रहा है उस वाले पॉइंट से जो ट्री का फुट है, तो एक तरह से जड़, जहाँ तक ज़मीन में जड़ है उसका, तो ज़मीन का लेवल को लेते हुए उनके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अब हमें ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो है
आपका ये पेड़ है, मान लीजिए ये पपीता का पेड़ है, पतला सा लंबा सा है, ठीक है। ये ए डी इक्वल एच द हाइट ऑफ द ट्री, मैंने ए डी इक्वल टू एच ले लिया, इस पेड़ की हाइट है, और एच जब मैं फाइंड कर लूँगा तो आपका वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। लेट बी सी इक्वल एक्स बी द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, अब पेड़ जो है पॉइंट सी से इतना पार्ट पेड़ का टूट जाता है, ठीक है, तो इतना पार्ट टूट जाता है, तो ये टूटा हुआ पार्ट ये है आपका, ये जो अर्थ का मतलब ज़मीन का ये लेवल है, इसको टच कर रहा है इसका जो टॉप है पेड़ का, ठीक है, ठीक, इतना पार्ट ये टूटा हुआ है एक्स बी सी इक्वल टू, यहाँ से टूटा ही हो गया। ठीक, लेट तो सी डी और बी सी या सी बी इक्वल होंगे, लेट ए बी इक्वल टू 8 मीटर बी द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड टॉप ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का फुट है और टॉप है, ये आपका पॉइंट ए यहाँ पर, यहाँ इसका अर्थ के लेवल से अगर देखेंगे तो ये फुट है और ये टॉप है, ये ए बी का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो ट्री टूटा हुआ है अर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्या हो गया, ये राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इस राइट ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ये बेस आपको दिया हुआ है और ये पूरी हाइट है, तो ये हाइट कितनी होगी, इस पूरे हाइट में से जो है ये आपका एक्स है, माइनस कर देंगे तो एच माइनस एक्स आ जाएगा, इसका मतलब ये हाइट हो गया और ये आपका बेस हो गया और ये एंगल दिया है, तो टैन यहाँ पर आप लगा सकते हैं एक ही, देखिए जो है यक्स का वैल्यू मैं पहले फाइंड कर देता हूँ, तो ये देखिए हाइपोटेनस 90 साइमन में हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस और बेस में जो रिलेशन होता है वो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड होता है, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 √3/2 और 8 मीटर/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स √3 = 16 मीटर आ गया, तो ये आपका हो जाएगा एक्स का वैल्यू 16/√3 मीटर, एक्स का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अच्छा, टूटा हुआ पार्ट इतना है उसका एक तरह से लेंथ। अब देखिए, अब मैं फिर उसी ट्रायंगल में जो है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करूँगा, अब की बार मैं जो है यूज करता हूँ आपका टैन वाला, तो टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अब इसी ट्रायंगल में फिर देखिए ना आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया, बेस 8 मीटर है, तो साइन टैन लगाऊंगा मैं क्योंकि परपेंडिकुलर बेस पता है, उसी ट्रायंगल में फिर टैन 30 डिग्री इक्वल एच माइनस एक्स अपॉन 8 मीटर, टैन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल एच माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया था, एक्स का वैल्यू आपके सामने आया था 16/√3 मीटर 0.8 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 8 मीटर इक्वल इसका उधर करिए √3h माइनस फिर √3 × 16/√3 मीटर से ये कैंसिल हो गया, आगे आपका √3h माइनस 16 मीटर 8 मीटर, इसको इधर कर दीजिए तो 16 × 8 = 24 मीटर हो जाएगा, h की वैल्यू आ गई √24 × √3, रेशनलाइजेशन कर लीजिए 20 √3
मीटर अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री, नीचे आपका थ्री हो जाएगा, कैंसिल एट टाइम, तो आंसर आ गया 8√3 meters। ये आपका हो गया जो है पूरा टोटल ट्री का हाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो है प्लान करता है, योजना बनाता है 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करने के लिए, मतलब लगाने के लिए, चिल्ड्रन के लिए 2 स्लाइड लगाने को एक पार्क में खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 meters। चिल्ड्रन जो 5 साल से नीचे हैं उनके लिए सी प्रीफर्स मतलब वह कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पर लेडीज़ हैं, सी प्रीफर्स वह चुन मतलब प्रीफर करती हैं, पसंद करती हैं एक स्लाइड जिसका टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 meters, जिसका टॉप जो होगा वो 1.5 meters की हाइट पर हो, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 degrees टू द ग्राउंड, और वो जो स्लाइड होगा आपका वो ग्राउंड के साथ 30 degrees के एंगल पर झुका हो। वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 meters, जबकि बड़े बच्चों के लिए वह एक मतलब स्टीप स्लाइड खड़ी ढलान वाला, ढलान जो होगा उसका खड़ा ढलान वाला एक 3 meters के हाइट पर जो है लगाना चाहती है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 degrees, और वो एक 60 degrees के एंगल पर झुका है ग्राउंड से। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में जो स्लाइड है उसका लेंथ क्या होगा। देखिए मैंने फिगर बना दिया, पहला जो है स्लाइड है आपका ए बी एंड डी बी स्लाइड्स फॉर बिलो द एज ऑफ 5 years एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रेन रेस्पेक्टिवली। ये ए बी जो स्लाइड है 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए है, और आपका जो डी जो स्लाइड है वो बड़े बच्चों के लिए है। ठीक है, और ये देखिए जो ये स्लाइड है, स्लाइड का जो टॉप वाला पॉइंट, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो स्लाइड है वो आपका कितने हाइट पर है, छोटे बच्चों मतलब बिलो 5 years एज वाले से जो नीचे के बच्चे हैं उनके लिए वो उसका हाइट 1.5 meters पर है। तो ये जो हाइट के लिए एक रॉड टाइप उधर लगा रहता है स्लाइड में, तो वो जो रॉड है वो अर्थ के साथ 90 का एंगल बनाएगा। उसी तरह इसमें भी जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए है वो अर्थ के साथ जो सपोर्ट कर रहा है स्लाइड को वो भी 90 का एंगल बनाएगा, और इसका हाइट 3 meters होगा। अब देखिए ये जो बड़े बच्चों का स्लाइड है वो एक तरह से ग्राउंड के साथ 60 degrees बना रहा है, और जो छोटे बच्चों का जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ 30 degrees बना रहा है। तो अब देखिए हमें जो फाइंड करना है ए बी और डी का लेंथ फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है, आइए उसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। इंट्रेंगल ए बी सी, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाइए, परपेंडिकुलर है हाँ, और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, तो उसमें आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन ये, तो उसमें आपका आ जाएगा साइन 30 degrees इक्वल 1.5 meters अपॉन ए बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इधर 1/2 हो गया, 1.5 meters अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए बी इज इक्वल टू इसका करेंगे तो 3 meters हो गया। मतलब ए बी का जो वैल्यू है स्लाइड पर छोटे बच्चों जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनका ये जो स्लाइड है उसका लेंथ 3 meters है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको आप लेंथ कर दीजिए, ए बी एंड डी बी द लेंथ ऑफ स्लाइड्स। ठीक है, अब सही है, ए बी का वैल्यू हमें मिल गया। अब जो है दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल डी ई एफ में, इस ट्रायंगल में जाइए। ठीक है ना,
तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, फिर वही साइन मैं लगाता हूँ, साइन 60 डिग्री इक्वल 3 मीटर अपॉन आपका हो गया डी। तो साइन 60 डिग्री को आप लिखोगे √3/2 इक्वल 3 मीटर/d। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो आपका आ जाएगा 2 3 6, ठीक है। इधर मान लीजिए √3/d है, ये 6 मीटर हो गया और आपका d इज इक्वल टू हो गया 6 मीटर/√3। तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 6√3 मीटर/√3/√3, नीचे वाला आपका 3 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल 2 टाइम, तो ये आपका हो गया 2√3 मीटर। तो इस तरह से दोनों ही साइड स्लाइड के लेंथ्स को मैंने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो एलिवेशन है एक टावर के टॉप का, एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर के टॉप का ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, और वो जो पॉइंट है वो टावर के टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है ना। तो जिस पॉइंट, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो सिंपल बहुत ही क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने क्या किया है, ये फिगर बना दिया, लेट ए बी इज इक्वल टू एच, ये एच मान लीजिए, ए बी इज इक्वल टू एच एंड ए सी इज इक्वल टू 30 मीटर बी द हाइट ऑफ द टावर। एच आपका हाइट हो गया टावर का, और जो ए सी इज इक्वल 30 मीटर है, ये डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर, इस टावर का ये फुट है, पॉइंट है फुट ऑफ द टावर एंड अ पॉइंट सी, एक पॉइंट सी है जो ग्राउंड पर है ना, उस पॉइंट से और इस टावर के फुट के बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन आपका, 30 डिग्री है। हमें टावर की हाइट बताएं, तो बहुत ही सिंपल है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन 10 का होता है, आराम से लगा लीजिए। इन क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है, अब सही है। इन राइट ट्रायंगल एबीसी साइन, सॉरी टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका एच और बेस आपका 30 मीटर है, तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एच अपॉन 30 मीटर, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 30 मीटर/√3 मीटर, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन कर लीजिए, √3/√3 ऊपर √3 मीटर, तो ये नीचे हो जाएगा आपका 3 से कैंसिल 10 टाइम, आंसर आ गया 10/√3 मीटर। तो ये जो है टावर की हाइट हो गई आपकी, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जो कि ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पर उड़ रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरेरली टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग अटैच है, जो धागा अटैच है काइट से, वो मतलब टेम्पोरेरली है, एक तरह से आपका वो कभी हट भी सकता है, कर सकते हैं, टेम्पोरेरली है टाइट, मतलब टेम्पोरेरली टाइट का मतलब जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो हवा तेज चलता है, तो हवा तेज चलता है तो पतंग का जो स्ट्रिंग है, डोर है, वो एकदम टाइट हो जाता है, और हवा कम चलता है तो
उसको पतंग को उड़ाना पड़ता है, तो उड़ाते समय जो है कि लूज हो जाता है हल्का सा, पतंग का डोर हम लोग खींचते हैं या उस पतंग के डोर को स्टोक करते हैं, तो ठीक है। तो ये टेम्पोरली टाइट बोला है, तो ये मतलब हवा मान लीजिए तेज है, तो पतंग अगर अच्छा पतंग है ऊपर आसमान में तना हुआ है तो उस पतंग की बात कर रहा है, उसमें जो डोरी होता है एकदम टाइट है। टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के पॉइंट पर क्या किया गया है, टाइट कर दिया गया है पतंग उड़ा करके ऊपर आसमान में, और जो स्ट्रिंग था टाइट करके उसके ग्राउंड में बांध दिया। मान लीजिए द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जो इंक्लाइनेशन है पतंग के डोर का ग्राउंड के साथ 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, अब लेंथ स्ट्रिंग का जो डोर का लेंथ है वो पता करना है, और ये मानते हुए कि जो धागा में थोड़ा सा भी लूजपन नहीं है, मतलब धागा थोड़ा सा भी लूज नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने जो है AC इज इक्वल टू आपका 60 मीटर है, AC इज इक्वल टू 60 मीटर, ये आपका हाइट है, इस हाइट पर पतंग उड़ रहा है, मैंने पतंग बनाया भी है। AB स्ट्रिंग है काइट का, और जो स्ट्रिंग है ये मान लीजिए ग्राउंड है, BC लेवल जो ग्राउंड का लेवल है, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे, ये पॉइंट B पर जो पतंग की डोर है एक तरह से बांधा गया है मान लीजिए ना, कोई लकड़ी गाड़ करके या जैसे भी, इस पॉइंट B, ये पॉइंट B मान लीजिए ज़मीन पर है ना, ज़मीन का लेवल ही मान लेते हैं इसे पॉइंट B को, कोई जमीन का ज़मीन के लेवल कोई पॉइंट, तो इतना हो गया हमें AB का वैल्यू फाइंड करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर है और एक हम इसका भी AB ये है, तो परपेंडिकुलर और AB मान लीजिए इसमें रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कि ये रिलेशन को रखता है एक तरह से, तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस आपका हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ इन राइट ट्रायंगल ABC, तो इसमें आपका रिलेशन होगा साइन 60 डिग्री इक्वल 60 मीटर अपॉन हाइपोटेनस AB है, इसका वैल्यू होता है √3/2 इक्वल 60 मीटर अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इतना है मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए √3 AB वो हो जाएगा 120 मीटर, AB इज इक्वल टू 120 मीटर अपॉन √3 का रेशनलाइजेशन कर देंगे, नीचे आ जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा 120 √3 मीटर, इससे कटेगा तो 40 √3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हाइट हो गया, मतलब एक तरह से लेंथ हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के, एक मतलब इसी के आगे वाला क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगे, मतलब हम सॉल्व कराएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।